नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सीएनसी सीलिंग फैन बेंडिंग मशीन के बारे में बताएंगे, जो कि ये हमारे देख सकते हैं सीएनसी सीलिंग फैन बेंडिंग मशीन है। इसमें फुली ऑटोमेटिक सीएनसी सीलिंग फैन बेंडिंग मशीन है, जबकि इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा प्रोग्राम किया गया है, किस तरह से सेटिंग किया जाता है, प्रोग्राम में क्या क्या इसमें प्रोग्राम होता है, क्या क्या प्रोग्राम का मतलब होता है, तो आज हम आप सभी को डिटेल में बताएंगे। सीएनसी मशीन किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से इसका फंक्शन सेटिंग किया जाता है। वीडियो को देना करते हैं शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें फंक्शन ये सब दिया गया है, इन सभी का सेटिंग किस तरह से किया जाएगा आज हम आप सभी को करके दिखाएंगे। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें यस पॉइंट है, ब्रेथ है, वायर डाई है, टर्न है, स्लो टर्न, स्लो स्टॉप, एंगल, स्टार्ट टर्न, इंड टर्न। तो आज हम इन सभी फंक्शन के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम इन सभी फंक्शन के बारे में बताएंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज बस इतना ही फंक्शन बताएंगे। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि यस पॉइंट, ब्रेथ, वायर डाई, टर्न, स्लो टर्न, स्टॉप, ये सब जैसे फंक्शन दिया गया है, तो इन सभी का मतलब क्या होता है आज हम आप सभी को करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं यस पॉइंट हमारा जो होता है, तो यस पॉइंट में जैसे कि हमें ये सब सेटिंग करने कैसे करना होगा इसे हम करके दिखाते हैं। जैसे कि हमें सेटिंग करने के लिए पहले यहाँ जाना रहता है प्रोसेस सेटिंग पे। प्रोसेस सेटिंग पे जाने के बाद इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यस पॉइंट पे हमारा लाइट हो गया है, तो यस पॉइंट हमारा जो कि लाइट जल चुका है। तो जैसे हम इसका सेटिंग करते चलेंगे, तो पारी पारा उस पर धीरे धीरे कर हर एक एंगल पे लाइट जलेगा। तो जैसे कि यस पॉइंट सेट कर लेंगे, ब्रेथ, वायर डाई, जैसे ये सब सेटिंग जो है कि इसका सेटिंग करते करते हम चलेंगे शुरू से। तो जैसे कि यस पॉइंट हमारा होता क्या है, जैसे यस पॉइंट हमारा ये होता है कि जैसे कि हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर कितना अंदर बाहर डाई के अंदर करता है, तो यस पॉइंट का मतलब हमारा ये होता है। जैसे कि हम आपको इक्वेटर के लिए दिखा सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं ये हमारा इक्वेटर है, जैसे ये हमारा डाई है, तो स्टेटर हमारा डाई जो है कि स्टेटर हमारा कितना डाई के अंदर जाएगा, तो यस पॉइंट का मतलब यही होता है कि स्टेटर हमारा कितना डाई के अंदर जाएगा। स्टेटर अंदर बाहर करने के लिए हमारा यस पॉइंट का यूज किया जाता है। इसका जैसे कि हमारा ये सेटिंग जो देख रहे हैं, ये हमारा 12 पॉइंट का सेटिंग किया जा रहा है। तो इसका 12 पॉइंट की सेटिंग करने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि 42 है, 42.00 है। तो जैसे कि यस पॉइंट हमारा इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के लिए जैसे कि हम यहाँ से क्लियर कर ले रहे हैं। क्लियर करने के बाद जैसे हमें पॉइंट 41 डालना हुआ है, तो यहाँ डाल लेंगे 41 डालने के बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा ब्रेथ आ जाता है। ब्रेथ हमारा ऑप्शन क्या है, तो ब्रेथ हमारा जो कि होता है कि इसका स्पीड कितना कर सकते हैं। तो इसका स्पीड करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, उसे हम आप सभी को करके दिखाएंगे। जैसे कि ब्रेथ हमारा ये देख सकते हैं, ये हमारा डाई है जो हमारा आगे पीछे करता है। ये हमारा जो है डाई जो हमारा कि आगे पीछे ये करता है। तो जैसे कि स्पीड में करना रहता है, तो हम उसमें जैसे यहाँ पे 9 पॉइंट दिया है, यहाँ देख सकते हैं जैसे इसमें 9 दिया है, इसे हम जैसे यहाँ पे 5 करेंगे, 4 करेंगे, तो वो हमारे जो है कि आगे पीछे जो करता है, आगे पीछे हमारा ये स्पीड हो जाएगा। और इसे जैसे हम यहाँ पे 9 किए हैं, तो ये हमारी स्पीड स्लो है इस समय, और अगर और 10 कर देंगे तो और स्लो हो जाएगा। और जिस तरह से इसका अंक हम बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही स्लो होगा, और जिस तरह से इसका अंक हम कम करते जाएंगे वो उतना ही फास्ट होगा। जैसे कि कॉइल की चौड़ाई और इसकी जैसे कि कॉइल की चौड़ाई भी इससे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेथ सेटिंग हो गया। ब्रेथ सेटिंग के बाद हमारा आता है वायर डाई। तो वायर डाई इसे सेटिंग करने के बाद यहाँ फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये हमारा होगा वायर डाई। वायर डाई में जो होता है कि हमारा वायर डाई क्या होता है, वायर डाई में जो होता है हमारे इसमें जैसे कि 5 देख सकते हैं, 0.500 है। तो ये हमारा जैसे कि इसमें होता है, इसमें जैसे कि हमारा होता है कि 33 नंबर से 40 नंबर तक इसमें हमारा कि वायर जैसे कि पतला तार हो गया, उसके लिए हमारा 0.500 होता है। जैसे कि अगर हमारा पतला गेज हो गया, और मोटा गेज के लिए यहाँ पे हमारा होगा 0.800 मोटा गेज के लिए, जैसे हैवी तार के लिए। ये हमारा सेटिंग हो गया। और इस सेटिंग को करने के बाद हमारा आता है फिर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा टर्न हो गया। टर्न कितना हमें डालना है, तो टर्न हमें जितना डालना होगा, जैसे 12 क्वायल हो गया, 18 क्वायल, तो जैसे कि टर्न हम कितना डालते हैं, तो
रिटर्न डालने के लिए हमें जैसे हो गया कि यहाँ पे हमें 390 डाले हैं, 390 डालेंगे जैसे यहाँ से हम रिटर्न पैसे डालेंगे तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे, क्लियर करने के बाद यहाँ से हम रिटर्न डालेंगे 380 कर लिए, यहाँ पे 380.0 ये हमारा 380 हो गया। इसे हम फिर यहाँ से रिटर्न डालने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे कि हर फ्लैट का सेटिंग अलग अलग होता है, 14 का सेटिंग अलग होगा, 15 और 16 का सेटिंग अलग होगा, 18 का अलग सेटिंग होता है, हाई स्पीड का सेटिंग अलग होता है, तो सभी चीज़ का अलग अलग सेटिंग होता है। तो ये हमारा जो है कि सेटिंग हम 12 स्लॉट का बता रहे हैं, जो कि हमारा 12 स्लॉट हाई स्पीड में ही आता है, तो ये हमारा 12 स्लॉट का सेटिंग किया जा रहा है। तो यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। फिर आ गया हमारा स्लो टर्न। अब स्लो टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा शुरुआत में जो होगा कि टर्न जो होता है हमारा, ये जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारा जो एक टर्न घूमेगा शुरुआत में हमारा, तो 5 टर्न जो है कि 5 टर्न हमारा जो है कि धीरे घूमेगा, फिर उसके बाद हाई अपने स्पीड में फुल स्पीड में फिर घूमने लगेगा जितना हम स्पीड इसको किए रहेंगे। फिर इसके टर्न जैसे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ से हम बढ़ाना हो तो यहाँ क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से हम 10 टर्न कर देंगे। 10 टर्न करने के बाद यहाँ पे जैसे 10.0 है, इसे यहाँ से ये हमारा 10 टर्न हो गया, इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो स्लो टर्न तो वही ऑप्शन है जैसे कि वो शुरुआत में होता है, ये हमारा एंड में होगा। तो स्लो टर्न हमारा ये हो गया कि जैसे हमारा 380 हमने टर्न डाला था, तो हमारा 370 टर्न जाने के बाद लास्ट में 370 टर्न डाले जाने के बाद फिर 10 पॉइंट हमारा जो होगा कि वो स्लो चलेगा। तो इसका टर्न अगर कम बेसी करना हो तो इसका भी टर्न हम कम बेसी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हमें 10 टर्न को 20 टर्न में बदलना है, तो 20 टर्न यहाँ से कर लेंगे। 20 टर्न करने के बाद फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। एंगल जो होता है हमारा, जैसे कि एंगल हमारा होता है कि इस स्टेटर में देख सकते हैं, ये हमारा जैसे कि इसमें देख सकते हैं, एंगल का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे एक क्वाइल हमने भर लिया, दो क्वाइल भर लिया, अब दो क्वाइल भरने के बाद हमें तीसरा ना भर के चौथा भरना हो, तो जैसे कि हमें एंगल का मतलब यही हमारा होता है कि एक क्वाइल छोड़कर हम भर सकते हैं, जैसे कि हमें सेटिंग करना हुआ, जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें जैसे सेटिंग कर सकते हैं हमारे, देख सकते हैं इनपुट में 1 पे 1 चल रहा है, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9, 10 पे 10, 11 पे 11, 12 पे 12, तो हमारा 12 पे 12 हो गया। जैसे कि हमें एक क्वाइल भरने के बाद दूसरा ना भर के तीसरा भरना हो, तो उसका सेटिंग करने करेंगे। तो उसका सेटिंग करने के लिए पहले हम फिर से एंगल पर आते हैं, यहाँ से फिर से जाएंगे ऑप्शन से, डेटा ऑप्शन से एंगल पे आ गए। जैसे एक क्वाइल हमारे 1 पे 1 है, हैं 2 पे 2 है, 2 पे हमें 2 ना भर के तीसरे 3 नंबर भरना हो, 4 नंबर भरना हो, तो यहाँ पे 2 पे हमें 4 नंबर कर देंगे। 4 नंबर करने के बाद फिर ये हमारा कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिए, वो हमारा सेव हो गया। जैसे कि हम कॉपी करते चलेंगे फंक्शन को, कॉपी करते चलेंगे तो हमारा फंक्शन जो है कि 12 स्लॉट में सेट होता जाएगा। तो यहाँ से फिर आ गया हमारा स्टार्ट टर्न। तो स्टार्ट टर्न हमारा वही चीज़ हो गया, जैसे यहाँ पे स्लो टर्न था, स्लो स्टार्ट था, तो वही चीज़ हमारा स्टार्ट टर्न और एंड टर्न। तो ये जो कि हमारा होगा कि शुरुआत में ही स्टार्ट टर्न में, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 डाला है, तो हम चाहें तो यहाँ पे 20 टर्न डाल सकते हैं, 30 टर्न डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 20 टर्न डाला, 20 टर्न डालने के बाद ये हमारा जैसे कि 20 टर्न डालेंगे, तो ये हमारा जो होगा कि स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही यहाँ पे 20 टर्न एक जगह पे, ये हमारा जो डाई है एक जगह रुका रहेगा, और वहीं पे 20 टर्न डालने के बाद फिर वो हमारा डाई जो है आगे पीछे राउंड अप करेगा। ये हमारा हो गया स्लो टर्न, ये हमारा हो गया स्टार्ट। अब इसे हम कॉपी कर लेंगे। स्टार्ट टर्न के बाद आता है हमारा इंड टर्न। इंड टर्न वही चीज़ है, फिर ये हमारा इंड टर्न में लास्ट में हमारा जो होगा कि चाहिए जगह रुककर इसमें जितना सेटिंग किए रहेंगे, जैसे सेटिंग कर लेते हैं 30 पॉइंट सेट कर लेते हैं, 30 पॉइंट सेट कर लेंगे। 30 पॉइंट सेट करने के बाद जो होगा कि हमारा लास्ट में 30 टर्न टाई रुक कर एलेगा, लास्ट में हमारा 30 राउंड वहाँ पर गिरा देगा, 30 टर्न गिराने देगा। इस तरह से हम सारी सेटिंग को कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद प्रोसेस सेटिंग पे जाएंगे। प्रोसेस सेटिंग से बाहर भी आएंगे, ये जैसे प्रोसेस सेटिंग से अंदर जाते हैं
फंक्शन में प्रोसेस सेटिंग से बाहर भी आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेटिंग हो गया। तो इस तरह से हमारा सीएनसी सिलिकॉन बाइंडिंग मशीन का ये सब सारा सिस्टम सेटिंग किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और सीएनसी मशीन के और फंक्शन के बारे में जानकारी के लिए कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हम वीडियो को जो कि और फंक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये हमारा वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए हमने बस इतना ही फंक्शन बताया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन भी है। जैसे इसमें चाहे तो आप आरबीएम को भी कम बेसी कर सकते हैं, पासवर्ड भी डाल सकते हैं इसमें सीएनसी मशीन में। तो इन सभी फंक्शन को सेटिंग करने के लिए जो कि हम आप सभी को बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को।